बसमरिम अल्लाम रहा इस वक्त सारी गेम जनरल आसिफ मुर और जनरल आसिफ गपूर के हाथ में चली गई है और यह पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड है पाकिस्तान की टॉप की एस्टेब्लिशमेंट है जिसने यह फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान के हालात वाक़ात को हमने बेहतर करना है इसको तरक्की और ख़ुशहाली की जानब गामजन करना है और पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालना है जिसके अंदर पी टी एम हुकूमत ने नवाज़ शरीफ़ की हुकूमत ने आसफ़ अली चरतारी की हुकूमत ने धकेला है और इनकी हुकूमतों के फैसले और इनकी हुकूमतों के किए गए इकदाम की वजह से आज पाकिस्तान इतने बड़े इतने बड़े बहरान का शिकार हो चुका है और ये इस्टाब्लिशमेंट को बात इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से पता चल चुका है इस्टेबलिशमेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि ये जो निगरान हुकूमत समेत इससे पिछली पी डी एम हुकूमत और आसफ़ अली सरदारी और उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत इन्होंने मुल्क का कितना नुकसान किया है जबकि इस अरसे के दौरान पिछले पिछले तकरीबन कोई पंद्रह सालों के दौरान जो छोटा सा एक दौरे हुकूमत आया एक पैच आया वो था तीन साढ़े तीन साल का इमरान ख़ान की हुकूमत का जिसके अंदर इमरान ख़ान ने अपने विज़न के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक अपनी टीम के जरिए से पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की जानब ग कर दिया था और एक डायरेक्शन ठीक कर दी थी लेकिन बाद में आके इन्होंने सारा डी ट्रैक कर दिया और इन लोगों को असल में पाकिस्तान की तरक्की और ख़ुशहाली हज़म नहीं होती यही पी डी एम का यही पी डी एम का मसला है सबसे बड़ा कि इनको कभी भी कभी भी जो पाकिस्तान की तरक्की और ख़ुशहाली है वो हज़म नहीं होती इनको पाकिस्तान के अंदर जो भी प्रोग्रेस है वो इनको हज़म नहीं हो सकती गुरबत का खात्मा हो बेरोज़गारी का खात्मा हो महंगाई का खात्मा हो आवाम के अंदर खुशहाली हो ये इनके लिए बर्दाश्त नहीं हो सकता उसकी वजह ये है कि अगर ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये सियासत किसके ऊपर करेंगे आज देखें आज शहबाज शरीफ की जानब से या नवाज़ शरीफ की जानब से जिस इशू को बुनियाद बना के कैंपेन की, की जा रही है वो क्या है आज इनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि हम महंगाई आके ख़त्म कर देंगे हम बेरोज़गारी आके ख़त्म कर देंगे हम मुल्क के अंदर तर की और खुशहाली ले आएंगे हम मुआशी बहरान से निकालेंगे हम सियासी अदम इस्तकाम ख़त्म करेंगे आइनी और कानूनी मैदान में जो बहरान है या वहाँ पर जो इशूज़ हैं उनको ख़त्म करेंगे सिफारती सतह के ऊपर जो पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है उसको ख़त्म करेंगे लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिरकार इन तमाम बहरानों में सफारती सियासी मुआशी अदालती कानूनी आइनी इन तमाम बहरानों में धकेला किसने पी डी एम हुकूमत ने इन तमाम बहरानों ने किसने डाला पी डी एम हुकूमत ने और पी डी एम हुकूमूत के अंदर ना सिर्फ नून लीग थी बल्कि नून लीग पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलरमान ये तीनों जमातों तो नून इसमें पी डी एम में शामिल थी तो इन तीनों जमातों ने मुल्क को इस, इस लेवल पर पहुँचाया इस मुल्क को इस हाल में पहुँचाया इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया और इनकी वजह से पाकिस्तान आज इस मसले में फंसा हुआ है इन मसाइल में फंसा हुआ है और ये अब बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान को आके इन मसाइल से निकालेंगे तो पहले आपने जो मुल्क को इन तमाम बहरानों के अंदर धकेला इस दलदल में फंसाया पहले उसका हिसाब किताब दें और इसका हिसाब किताब ये ये इसका भी तरीक़ा अवाम ने अब निकाल लिया है इसका हिसाब किताब अवाम ने अब इनसे लेना है बोट के जरिए बोट की ताकत अब इस्तेमाल करनी है अब इसी वजह से इनको अब इनकी चीहें निकल रही हैं और इनको ये ये इंतबात जो है वो बड़े अब अज़ाब नज़र आ रहे हैं इसी वजह से ये मैनेज करना चाहते हैं बैकडोर चैनल के ऊपर डीलें करना चाहते हैं बैकडोर चैनल के ऊपर मामला सेट करना चाहते हैं बैकडोर चैनल के ऊपर ये चाहते हैं कि हमारी किसी तरह से कोई सेटिंग हो जाए मैनिपलेसन हो जाए मनिबरिंग हो जाए हम इलेक्शन को मैनेज कर लें इलेक्शन किसी तरह से हम निकाल लें अब ये इसी के ऊपर सारी गेम खेल रहे हैं दौड़ें लगी हुई हैं परेशानी बनी हुई है नवाज़ शरीफ कभी किसी से मुलाकात कभी किसी से मुलाकात भाई फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग चढ़ी हुई है पूरी दुनिया के अंदर मंजरनामा तब्दील हो चुका है मोहम्मद बिन सलमान के सामने दुनिया की आलमी सामने के आलमी मसाइल सामने हैं वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा कि मेरी एन आर ओ करवा दो डील करवा दो अक्ल के कुल होश के नाखुल ने अक्ल के ये ऐसे अंधे लोग हैं और उधर जाके बैठा हुआ है शाही महल के दरवाजे पे कि मोहम्मद बिन सलमान मुझे वक्त दे दे मुझे टाइम दे दे मुझसे मुलाकात कर ले भाई वो आपके साथ क्यों मुलाकात करे आपने सिर्फ डील करनी और डील के बाद भी आपने धोखा देना होता है जो अरब साथ इन्होंने पहले जो किया था पहले जो धोखा दिया था वो लेबनान के वजर अजम हरीरी के साथ रफीक हरीरी के साथ जो इन्होंने पहले धोखा दिया था आज वही धोखा मोहम्मद बिन सलमान को पता लग चुका है अरब ममालिक को पता लग चुका है देखें वो एक ही दफ़ा इंसान आखिर डसता है एक सुराख से वो फिर बंद हो जाता है अरब ममालिक को अब अंदाज़ा हो गया इस वजह से पाकिस्तान के अंदर ये इस्टाबलिशमेंट को इस बात का एहसास हो चुका है और वो बात इस बात को समझ चुके हैं कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं और पी टी एम हुकूमत और उससे पहले नवाज़ शरीफ़ की और उससे पहले आसिफ अली सत्तारी की इन्होंने मुल्क का बड़ा गर्क किया मुल्क का सत्यानाश किया मुल्क का ये तबाह और बर्बादी फेरी है मुल्क को इस स्टेज पर इस लेवल पर पहुँचाया है ये इस्टाब्लिशमेंट को इस बात का पता चल चुका है इस्टेबलिशमेंट को इस बात की रियलाइजेशन हो चुकी है और पिछले पिछले ढाई तीन महीने से जब से आपने इमरान ख़ान को पाबंदी सलासल रखा हुआ है अडयाला जेल में आपने बंद किया हुआ है कैद किया हुआ है इमरान ख़ान की जो आज़ादी आमदरफ्त है नकलो हमल है आज़ादी राय है आज़ादी इजहार है वो आपने सब कुछ बंद कर दिया एक इंसान के बुनियादी हकूक़ एक इंसान के बुनियादी हकूक़ आपने सलब कर लिया है ये ये बहुत ही क्लासिक केस है इंसानी हकूक की पामाली का इंसानी हकूक़ की खिलाफ का और इस वक्त पीछे कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है इमरान खान के क्योंकि इमरान खान अगर बाहर होता है ख़ुद वो जिस तरीके से ख़िताब करता है जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन करता है वो अगर बाहर होता तो ए, इनको बताता कि ये किस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और इंसानी हकूक की खिलाफ हो रही है उसके पीछे बाहर कोई बात करने वाला नहीं इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन करने वाला नहीं ये जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है ये इमरान खान का बुनियादी हक़ है उसको आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का सियासी तौर पर अपनी कैम्पेन करने का मुहिम चलाने का उसकी सियासी जमात है वो सियासी पार्टी का एक सरबरा है और बतौर इंसान उसको आज़ादी हासिल है वो जहाँ मर्जी जाए आप सिक्योरिटी खदशात की वजह से उसे कहते हैं कि जेल में रखना है आप सिक्योरिटी को बेहतर करें इस तरह से तो आप हर शख्स को पूरे पाकिस्तान में पच्चीस करोड़ लोगों को कह दें कि आप घरों में रहें क्योंकि बाहर सिक्योरिटी का मसला है तो इमरान खान के साथ ये सरासर जाति की जा रही है लेकिन इस्टेबलिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है वो समझ चुकी है कि नवाज़ शरीफ भी ऑप्शन नहीं है शहबाज़ शरीफ भी ऑप्शन नहीं है आसिफ जहदारी भी ऑप्शन नहीं है मौलाना तो खैर किसी खाते में नहीं आता मौलाना तो सारी पाँच छः सीटें निकालता है पाँच पाँच छः सीटों से बंदा थोड़ी वज्रज़म बन जाता है तो ये इमरान ख़ान ही एक ऑप्शन बचता है जो डेढ़ दो सौ सीटें निकालने की पोजीशन में बड़ी आसानी के साथ आ चुका है बड़ी आसानी के साथ इमरान खान ने डेढ़ दो सौ सिम्पल मेजारिटी और टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ सीटें निकाल लेनी है उसे कोई मसला नहीं टेंशन नहीं लेकिन इनको मसला है ये चाहते हैं मैनेज भी हो चीज़ें हमारे लिए इस्टेबलिशमेंट मैनेज करे तो इस्टबलिशमेंट अपने ज़िम्मे काम ये क्यों ले ये ज़िम्मेदारी क्यों ले बाद में उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं इस वजह से ये फ़ैसला कर लिया गया इमरान खान की रहाई का मुल्क के अंदर इंतबात का और ये तमाम अहम तरीन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स की शक्ल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की शक्ल में मिल चुकी है कि इमरान खान को टू थर्ड मेजारिटी मिलनी है तो श्वाब में ला इमरान खान अवामी मैंडेट से आके अपनी हुकूमत बनाए